जेतपुर में नगर निगम की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि वार्ड क्रमांक 20 लक्ष्मी मार्केट जेतपुर में नाली का पानी से एक तालाब बन गया है, जिसके चारों तरफ मकान है एवं इस नाली का पानी अब लोगों के घरों में घुसने की संभावना है, जिससे अगल बगल के लोग घबराए हुए हैं। लोगों द्वारा बताया गया कि आपका नाम क्या है? भोलानाथ तिवारी। ये कौन सा एरिया है? क्या नाम? वार्ड क्रमांक 20 जयपुर। जयपुर। यहाँ देख रहे हैं नाली से पानी आकर ये तालाब बना हुआ है, आप लोगों का अगल बगल में घर है, देख रहे हैं आंगनों में पानी छलक रहा है। बहुत बड़ी समस्या है पानी का, यहाँ पानी पूरा तालाब जैसे भरा हुआ है, घर में घुस रहा है सब, नाली के द्वारा प्रवेश होकर के अंदर जा रहा है घर में। जिस दिन बारिश होगा उस दिन पूरा लबालब भर जाएगा, जयपुर पूरा उधर डूब जाएगा। ये नौमत है, पानी जिस दिन बारिश होगा उस दिन बहुत परेशानी आ जाएगा, हाहाकार मच जाएगा यहाँ। तो इसका कंप्लेन आप लोग वार्ड पार्षद वगैरह को दिए हैं क्या? पार्षद को दिया गया है, पार्षद इधर आते ही नहीं, सुनते हैं, कोई नहीं सुनता है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम तुलसीदास साहू है, बगल में घर है हमारा। इस गड्ढे में गर्मी में इतना पानी भरा हुआ है कि ओवरफ्लो होकर घर में घुस रहा है, अगर एक बारिश हो जाए तो पूरा मोहल्ला डूबने के नौबत में आ जाएगा। पार्षद को कम से कम 50 बार बोला गया, 2-4 बार उसे घर जाके बोला गया, लेकिन वो कभी झांकने नहीं आते हैं। और इन पुरानी नाली पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया गया, नया निर्माण कराने के बाद नई नाली का लेवल इतना ऊपर कर दिया है कि पानी के निकलना बहुत असंभव है। तो ये कब से ऐसा यहाँ तालाब बना हुआ है? ये तालाब तो बहुत दिन से 200 साल से है, लेकिन ये पानी निकल जाता था नगर निगम द्वारा 2-3 साल पहले जो नाली बनवाई थी उससे पानी अच्छी तरह निकल जाता था, लेकिन NTPC CSR द्वारा ग्रामीण विकास के लिए जो रोड नाली का निर्माण कराया गया, उस निर्माण कार्य के करने की वजह से पुरानी नाली क्षतिग्रस्त हो गई और नया नाली बना लगभग 2.5-3 फीट ऊपर बनाया गया, जिससे पानी नहीं निकल पा रहा है। आपका क्या नाम है? शशि कुमार दुबे। अच्छा, ये यहाँ तालाब बना हुआ है, इससे क्या समस्या जा रही है? तालाब बना है, इसमें बहुत समस्या हो रहा है, पानी नहीं निकल रहा है। जो नाली बना है रोड के एकदम किनारे बना हुआ है, उसमें ओवर हो गया, हाइट है, इससे पानी निकल रहा है।